फ्रेंड्स, वेलकम टू ओल्ड स्टाइल लर्निंग। और आज का हमारा जो लेसन है वो है एक्सेप्ट एक्सेप्ट एंड एक्सपेक्ट के ऊपर। बहुत ही टंग ट्विस्टर है, आप लोगों को ये इसके प्रोनाउंसिएशन पे फोकस करना है, इसके मीनिंग पे फोकस हम करना शुरू है। करते हैं एक्सेप्ट से, एक्सेप्ट का मतलब होता है स्वीकार करना है, या उसे फिजिकली या मेंटली आपने उसको स्वीकार कर लिया है। इसका प्रोनाउंसिएशन हम कैसे करते हैं? एक्सेप्ट एक्सेप्ट, ओके। और इसका पास्ट जो होता है वो होता है एक्सेप्टेड। तो बहुत जगह हम एक्सेप्ट और एक्सेप्टेड दोनों का यूज़ करते हैं। हम यहाँ कुछ एग्जांपल्स में आगे इसको देखेंगे। इसका मतलब जैसे मैंने बताया, एग्री टू टेकिंग समथिंग, मतलब आप फिजिकली या मेंटली आप किसी चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं, ले रहे हैं, उसको कहते हैं एक्सेप्ट। और टू बिलीव ऑन समथिंग इज ट्रू, ये आपने किसी विचार को या किसी की सेइंग को एक्सेप्ट कर लिया है, आपने उसको ट्रू मान लिया है। और तीसरा होता है टू अप्रूव समथिंग। अप्रूव समथिंग क्या होगा, मैं आपको इसका एग्जांपल दूंगी तो उससे आपको बहुत जल्दी इस बात में क्लैरिफिकेशन आएगा कि इन तीनों को हम एक्सेप्ट को इन तीनों कंडीशन में कैसे यूज़ करते हैं। तो हमारा फर्स्ट जो सिचुएशन है वो है एक्सेप्ट और टेकिंग समथिंग, ठीक है। सो आई एक्सेप्टेड द जॉब, मैंने वो जॉब स्वीकार कर लिया। सेकेंड है स्टोर एक्सेप्ट्स कैश ओनली, स्टोर में सिर्फ कैश लेते हैं। आई शुड हैव एक्सेप्ट हिज अपोलॉजीज, मुझे उसकी अपोलॉजीज एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए थी, स्वीकार कर लेनी चाहिए थी। टीचर विल नॉट एक्सेप्ट दिस असाइनमेंट, ओके। नेक्स्ट है वी एक्सेप्ट व्हाट यू से इज द ट्रूथ। यहाँ पे मैं क्या बता रही हूँ आपको, सेकंड हमारा जो है टू बिलीव समथिंग इज ट्रू, उसमें आपको यहाँ पे ये एग्जांपल है, वी एक्सेप्ट दैट यू से इज द ट्रूथ, तुम जो बोल रहे हो वो सही है, हम ये बात को मान ले रहे हैं, हम एक्सेप्ट कर ले रहे हैं, स्वीकार कर ले। कोर्ट विल नॉट एक्सेप्ट दिस एक्सप्लेनेशन, कोर्ट ये एक्सप्लेनेशन को स्वीकार नहीं करेगा। दे वॉन्ट ट्रस्ट यू, दे विल नॉट से दैट वॉट एवर यू आर सेइंग इज ट्रूथ, ओके। थर्ड हम कब एक्सेप्ट को यूज़ करते हैं, जब कोई चीज़ अप्रूव हो गई है, किसी चीज़ का आपको अप्रूवल मिल गया है, उसको भी हम एक्सेप्ट कहते हैं या एक्सेप्टेंस कहते हैं, कि आपको किसी चीज़ का अप्रूवल का आपने प्रपोजल दिया और वो एक्सेप्ट हो गया है, आपको उसकी एक्सेप्टेंस मिल गई, ओके। कॉन्ग्रेचुलेशंस, योर प्रपोजल गॉट एक्सेप्टेड, दिस स्कूल डज नॉट एक्सेप्ट लेट सबमिशन, माई पेरेंट्स विल नॉट एक्सेप्ट मी माई दिस लुक, मेरे पेरेंट्स मुझे इस लुक के साथ कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, दे विल नॉट एक्सेप्ट मी, ओके। हमारा नेक्स्ट जो वर्ड है वो है एक्सेप्ट, एक्सेप्ट। तो आपके दोनों के प्रोनाउंसिएशन में आपको ध्यान रखना है, वो था जो हमने पहले देखा वो था एक्सेप्ट, ये है एक्सेप्ट। बोलते समय आपको ध्यान रखना है क्योंकि इनके मीनिंग बहुत अलग है, और इनके अगर प्रोनाउंसिएशन में गलती होती है तो इनके ये पूरे जो सेंटेंस है, मैं बार बार कहती हूँ कि इंग्लिश में प्रोनाउंसिएशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर आपने ठीक से कोई चीज़ें प्रोनाउंस नहीं की है तो वो पूरे आपका जो सेंटेंस है उसके मीनिंग को बदल देंगे। हम आगे बढ़ते हैं, इसका प्रोनाउंसिएशन कैसे होता है, एक्सेप्ट एक्सेप्ट, और इसका जो पास्ट होता है वो होता है एक्सेप्टेड एक्सेप्टेड, ओके। और इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है बट और अपार्ट फ्रॉम, अपार्ट फ्रॉम और एक्सक्लूडिंग, इन टोटल हम बोल सकते हैं इसके अलावा, हिंदी में अगर बोलें तो बोलेंगे के अलावा, एक्सेप्ट दैट। तो हम कहाँ कहाँ यूज़ कर, किस तरीके से इसको यूज़ कर तक कर सकते हैं, मैं यहाँ पे आपको कुछ एग्जांपल देके इसको बताती हूँ। सो आई लाइक ऑल वेजिटेबल्स एक्सेप्ट बिटर गार्ड, मुझे करेला पसंद नहीं, मुझे सारी सब्जियां पसंद हैं पर मुझे करेला पसंद नहीं। आप में से बहुत लोगों को करेला पसंद नहीं होगा, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। सो आई लाइक ऑल वेजिटेबल्स एक्सेप्ट बिटर गार्ड, वी ऑल पास्ड अवर क्लास एक्सेप्ट जॉन, हम सारे बच्चे पास हो गए बस जॉन नहीं हो पाया, जॉन फेल हो गया, इसको कहने का ये दूसरा तरीका है पोलाइट वे। वी हैड ऑल मील्स एक्सेप्ट ब्रेकफास्ट, हमने सारे हमारे जो दिन के जितने भी मील थे हमने वो लिए एक्सेप्ट हमने ब्रेकफास्ट
नहीं खाया। तो एक्सेप्ट को आप किसी भी सेंटेंस को नेगेटिव तरीके से बोल ना बोलने के बजाय आप एक्सेप्ट का वर्ड का यूज कर सकते हैं। वी हैड ऑल मीज एक्सेप्ट ब्रेकफास्ट। ऑल मंथ्स हैव 30 डेज एक्सेप्ट फेब्रुअरी। अभी तक देखा एक्सेप्ट, एक्सेप्ट, और अब हम आ गए हैं एक्सपेक्ट, एक्सपेक्ट की तरफ। एक्सपेक्ट को कैसे करते हैं? एक्सपेक्ट, एक्सपेक्ट, इसका मतलब होता है अनुमान लगाना, मतलब किसी चीज़ का एक आइडिया लगाना, उसको कहते हैं एक्सपेक्ट। और इसका पास्ट होता है एक्सपेक्टेड। थोड़ी टंग ट्विस्टर काइंड ऑफ वर्ड्स है, मुझे भी बोलने में प्रॉब्लम हो रही है, बट ठीक है, हम आगे प्रैक्टिस करते रहेंगे साथ में। इसका मतलब होता है लाइकली टू हैपन, मतलब कोई चीज़ को आप प्रिडिक्ट कर रहे हैं। मोस्टली एक्सपेक्ट मतलब प्रिडिक्शन होता है, और आउटकम किसी चीज़ का आउटकम, रिजल्ट, आप उसका रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अनुमान लगा रहे हैं रिजल्ट के बारे में। बिलीव समथिंग, किसी चीज़ में आप बिलीव कर रहे हैं उसमें भी आप एक्सपेक्ट का यूज़ करेंगे। दैट थिंग विल हैपन, यू बिलीव दैट समथिंग विल हैपन। हम इसको एग्जाम्पल में देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वी आर एक्सपेक्टिंग अ लॉट ऑफ एप्लीकेंट्स फॉर दिस जॉब। हम इस जॉब के लिए बहुत सारी एप्लीकेशन आएंगी, ऐसा अनुमान लगा रहे हैं। वी एक्सपेक्ट देम टू अराइव बाय 5। हम सोच रहे हैं कि वो 5 बजे तक आ जाएंगे। इन दिस केस, इन दिस एग्जाम्पल, इट्स लाइक लाइकली टू हैपन, मतलब ऐसा होगा कि वो 5 बजे तक आ जाएंगे। दैट्स नॉट द सॉर्ट ऑफ बिहेवियर आई एक्सपेक्ट फ्रॉम यू। ऐसा मेरा ये बिलीव है कि तुम इस तरीके से काम नहीं करोगे, ये मेरा बिलीव था। सो आई डोंट एक्सपेक्ट दिस काइंड ऑफ बिहेवियर फ्रॉम यू। ओके, सो देयर इज समथिंग बिलीव यू आर टॉकिंग अबाउट। आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस टू बी एक्सपेंसिव। मैंने नहीं सोचा था कि ये इतना महंगा होगा। हाउस प्राइसेस आर एक्सपेक्टेडली अनएक्सपेक्टेडली ड्रॉप्ड। अनएक्सपेक्टेडली मतलब अनुमान के परे, आपने जो अनुमान लगाया उससे ज़्यादा घरों के दाम जो है वो गिर गए। ये जो है एक्सपेक्ट, इसमें ING लगाने के बाद एक्सपेक्टिंग होता है, और इसका एक बहुत ही कॉमन यूज़ है जो आपने बहुत सोसाइटी में सुना होगा। जब कोई प्रेग्नेंट होता है उसके बारे में हम बोलते हैं कि दे शी इज़ एक्सपेक्टिंग अ बेबी। मोस्टली जो प्रेग्नेंट होते हैं वो कपल प्रेग्नेंट होता है, मतलब कि हस्बैंड वाइफ, या वो कपल हैं किसी तरीके से, और देन दे बोथ आर एक्सपेक्टिंग अ बेबी। ओके, दे बोथ आर प्रेग्नेंट। हालांकि जो बेबी है वो फीमेल कैरी करती है, लेकिन पेरेंट्स दोनों बनने वाले होते हैं, इसीलिए कहते हैं दे बोथ आर प्रेग्नेंट और दे बोथ आर एक्सपेक्टिंग अ बेबी। सो फॉर एग्जाम्पल, दे आर एक्सपेक्टिंग देयर फर्स्ट बेबी। ओके, तो यहाँ पे होगा टंग ट्विस्टर। हम क्या करेंगे, हम तीनों वर्ड्स को एक सेंटेंस में डाल के और उसको यूज़ करने की कोशिश करेंगे। एक सेंटेंस में तीनों वर्ड्स का यूज़ करेंगे, और वो सेंटेंस मैं आपको यहाँ पे पढ़ के सुनाती हूँ। आप इस सेंटेंस की प्रैक्टिस करें, ताकि बार बार बोलने की कोशिश करें इस सेंटेंस को, जिससे कि आपके ये जो वर्ड्स हैं इनके प्रोनाउंसिएशन में आपको क्लैरिटी आएगी। ठीक है, कॉलेज एक्सेप्टेड माई एप्लीकेशन एंड आई एम एक्सपेक्टिंग स्कॉलरशिप टू एक्सेप्ट इट्स नॉट फुल। ओके, तो यहाँ पे एक कॉमा आना चाहिए। सो लेट मी रिपीट इट वन मोर टाइम। कॉलेज एक्सेप्टेड माई एप्लीकेशन एंड आई एम एक्सपेक्टिंग स्कॉलरशिप टू एक्सेप्ट इट्स नॉट फुल। मतलब कॉलेज ने मेरी एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर ली है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे स्कॉलरशिप मिल जाएगी, एक्सेप्ट वो पूरी स्कॉलरशिप नहीं होगी, कुछ पार्ट स्कॉलरशिप का मुझे मिलेगा। She accepted his proposal, except she has to move from here. By the way, they are expecting their first baby soon. Good for them. Okay? So second जो है, मैं उसको एक बार और रिपीट करती हूँ। She accepted his proposal, except she has to move from here. By the way, they are expecting their first baby soon. गुड फॉर देम। अगर आपको एक्सपेक्ट, एक्सेप्ट और एक्सेप्ट के बीच का अंतर समझ में आया हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल का नाम है ओल्ड स्टाइल लर्निंग। थैंक यू सो मच।